गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डे 35 ऑफ IBPS 2019 इंग्लिश लैंग्वेज क्विज। आज का जो हमारा क्विज है दैट इज अ मिसलेनियस क्विज एंड इट्स अ प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको मिसलेनियस टॉपिक्स मिलेंगे। तीन टॉपिक्स होंगे इसमें, तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्विज से। तो क्विज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स each of which has been numbered. These numbers are printed below the passage and against each. Five words are suggested, one of which fits the blank appropriately. Find out the appropriate word in each case. तो question या passage देख के आप समझ गए होंगे कि five blanks हैं। इसका मतलब ये closed test है। It's a closed test. So let's start with the questions. Question number 1. Passage padhte hain. The savings of low-income Indian households have traditionally remained unprotected by the government when compared to those of the more dash economic groups. To yahan par comparison hua hai low-income households se. To comparison hua hai is sentence mein low-income households. The comparison low-income ka kis se hoga? Something that is more high-income. तो देखते हैं कौन सा वर्ड फिट बैठेगा वन में। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, तो यस ये वर्ड सही है। डेस्टिट्यूशन, डेस्टिट्यूट मतलब डिस्पाइट्स करना या गंदा फील करना, तो नहीं। प्रॉस्पर, प्रॉस्पर्ड होता तो सही होता बट प्रॉस्पर ग्रामेटिकली गलत होगा। बोथ एंड बी नो। अपस्केलिंग, नहीं। तो आंसर इज ए। सेकेंड पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन थर्सडे डैश द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट इनकम स्कीम्स ऑर्डिनेंस व्हिच बार्स ऑल डिपॉजिट स्कीम्स इन द कंट्री दैट आर नॉट ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर हम देखें, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन थर्सडे डैश द बैनिंग, तो कुछ किया उस बैनिंग का, डिमोलिश किया, कंसील किया या कुछ, मतलब कुछ ऑर्डर किया। तो देखते हैं, कंसीलिंग, कंसील्ड होता तो कंसिडर कर सकते थे बट कंसीलिंग नो। प्रमालगेटेड, प्रमालगेट का मीनिंग होता है पासिंग ऑफ अ लॉ और डिग्री, तो यहाँ पर कुछ बैन हुआ है पासिंग ऑफ अ लॉ, तो कोई लॉ पास हुआ है, तो यस प्रमालगेटेड ठीक है। परमिएटेड गलत होगा। अनाउंस, अनाउंस होता तो ठीक होता। आंसर इज बी। बाय बैन व्हिच बार्स ऑल डिपॉजिट स्कीम्स इन द कंट्री दैट आर नॉट ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट फ्रॉम आइदर डैश और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स। फ्रॉम आइदर डैश ऑब्टेन्स, तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग के साथ कौन सा, क्योंकि एक स्कीम की बात हो रही है, क्या वो एक्सेप्ट करती है, तो एक्सेप्ट के साथ कौन सा वर्ड ठीक बैठेगा। ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स नहीं, क्योंकि एक्सेप्टिंग में आईएनजी फॉर्म है तो जो भी वर्ड होगा उसके साथ एक आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऑब्टेन्स गलत है। एक्वायर भी गलत है। सीकिंग, यस सीकिंग सही है। क्रिएट नो, सिक्योर नो। आंसर इज सी। हमें वर्ब का फॉर्म देखना है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्टिंग के साथ आईएनजी है तो उसके साथ जो वर्ड होगा उसका भी आईएनजी फॉर्म होगा। द ऑर्डिनेंस विल हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिपॉजिट स्कीम्स अंडर ऑपरेशन दिस मेकिंग इट इजियर फॉर द सेंटर टू डैश देयर एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस, कुछ ऑपरेशन की बैनिंग की बात हो रही है तो किसी चीज को रेगुलेट या हिंडर करने की बात हो रही है, कुछ स्टॉप करने की बात हो रही है। इंस्पेक्शन नो, कंट्रोल नो। हिंड्रेंस, हिंडर होता तो ठीक होता, हिंड्रेंस इज रॉन्ग हियर। रेगुलेट यस, क्योंकि आप यहाँ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, रेगुलेट ठीक है। बैलेंस नो। आंसर इज डी। Two victims through the liquidation of the assets of those dash illegal deposit schemes. Illegal deposits के साथ कौन सा word fit बैठेगा? Handle, hand, क्योंकि एक liquidation भी आया है word fifth के आसपास। Handle,
नो प्रोड्यूस नो प्रोड्यूसिंग होता तो ठीक होता मेडलिंग नो फ्रीजिंग फ्रीज की यहाँ बात नहीं हो रही है ऑफरिंग यस क्योंकि स्कीम्स की बात हो रही है आंसर इज ई Question number 6 to 10. Which of the following phrases given below each sentence should replace the phrase printed in bold letters to make the sentence meaningfully correct? Choose the best option among the five alternatives that reflect the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence. If the sentence is correct as it is, mark no error as your answer. So, yahan par ye sentence इम्प्रूवमेंट पे है क्वेश्चंस हैड ही रियलाइज्ड हाउ क्लोज ही वाज टू फेलिंग ही वुड नॉट हैव गॉन टू द पार्टी तो देखते हैं कि इधर ही वुड नॉट हैव गॉन यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर नहीं है इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं है ही वुड नॉट हैव गॉन इज एब्सोल्यूटली राइट तो सीधा हम नो एरर पे ही टिक करेंगे क्योंकि कोई गलती नहीं है आंसर इज ई एनीवन इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग प्लेन्स कैन लर्न मच इफ ही हैज एक्सेसिंग टू अ फ्लाइट स्टिमुलेशन मशीन ही हैज एक्सेसिंग टू अ फ्लाइट नहीं होगा ही हैज एक्सेस टू टू के साथ कभी भी वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये हमेशा हमें ध्यान रखना है तो हम देखते हैं ही हैज एक्सेस एक्सेस तो गलत है ही हैज एक्सेस्ड अगेन गलत है क्योंकि प्रेजेंट में है टेंस ही हैज एक्सेस टू टू गलत है यहाँ पर डी सही है आंसर इज डी बीइंग अ रियलिस्ट द डिटेक्टिव कुड नॉट एक्सेप्ट The statement of the accused that UFO had caused the disturbance could not accept. यहाँ पर अगर हम देखें could not accept the statement. सही है. Good afternoon, everyone. Welcome to BANKERSADDA. Today we are going to discuss reasoning quiz for IBPS exam 2019, 27 February. So today is day 35 of Kar IBPS 2019 FATEH. So now move to question number first. Direction 1 to 5. Study the following information and answer the questions given below. There are 8 employees that is A, B, C, D, E, F, G and H who works in different companies of a building which has 8 floor. All the companies is on different floor of the building. First floor is grounded and the 8th floor is the topmost floor. जैसे कि हमारी floor based puzzle है इसमें हमें पता है कि हमारे 8 floor given है. 8 person है. और डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे वर्क करते हैं देन आगे अगर स्टेटमेंट की बात करें तो हमें इसमें इसके आगे स्टेटमेंट गिवन है एच डज नॉट वर्क ऑन ऑड नंबर फ्लोर कि जो एच है वो ऑड नंबर फ्लोर पे वर्क नहीं करता देन हमें इसके बाद गिवन है ई वर्क्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव द फ्लोर ऑन विच एफ वर्क्स जो ई है वो अबव एफ है पर ओड पे है तो देखो अब ई हमारा फर्स्ट पे नहीं हो सकता या तो थर्ड पे होगा या फाइव पे होगा या सेवन पे होगा तो ई की हमारे पे तीन पॉसिबिलिटी आ जाएगी देन इसके बाद हमें गिवन है इसमें देर आर थ्री फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ वर्क्स एंड सी वर्क्स एफ और सी के बीच में तीन फ्लोर है एंड सी वर्क्स बिलो एफ जो सी है वो एफ के बिलो वर्क करता है सही है एफ हु वर्क्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर जो एफ है वो ऑड नंबर फ्लोर पे है एंड एफ हमारा ई के नीचे है तो जो ई के नीचे अगर एफ आएगा तो इसमें हमारी सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेकंड और थर्ड पॉसिबिलिटी में हमारा एफ अगर सेकंड केस देखें तो इसमें थर्ड पे आएगा या फर्स्ट फ्लोर पे आएगा पर इसमें हमें गिवन है कि जो एफ है वो अबव बी है अबव सी है और सी और एफ में थ्री फ्लोर का गैप है तो हमारे ये जो बाकी के दो केस थे ये हट जाएंगे खाली एक ही केस बचेगा इसमें देन इसके बाद हमें गिवन था देन इसके बाद हमें गिवन है ए वर्क्स जस्ट इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑन विच एच वर्क्स जो ए है वो इमीडिएट अबव एच है
and B works on above the floor on which D works. जो B है वो above D work करता है, but not on top floor. B हमारा top floor पे नहीं है. अगर हम देखें तो A above H है और H does not work on odd number floor. अगर H odd number floor पे work नहीं करता तो A third पे work करेगा और H हमारा second floor पे work करेगा. Then बात करें B और D की, तो B top floor पे नहीं रह सकता, तो B का possible case होगा 6 और B के below है D, तो D आ जाएगा हमारा fourth floor पे. तो जो हमारा last person बचेगा वो है G, उसकी company हो जाएगी हमारी eighth floor पे. Then अब देखते हैं इसमें हमसे questions क्या पूछ रहे हैं. So now move to question number first. On which floor A works? So from the final arrangement we deduce that A works on floor number 3. That is option A. Now move to question number second. Question number second में इन्होंने हमसे पूछा है who among the following works on 6th floor? अगर हम अपने final arrangement पे देखें तो 6th floor पे हमारा B work करता है, तो option D B इसका right answer होगा. Now move to question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे से इन्होंने पूछा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्क्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ई एंड डी वर्क. अगर ई सेवन पे वर्क करते हैं और डी हमारा फोर्थ पे, इन दोनों के बीच में खाली दो एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो ऑप्शन सी टू इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर. हाउ मेनी एम्प्लॉय वर्क्स बिलो द फ्लोर ऑन विच एफ वर्क्स. तो एफ हमारा फिफ्थ फ्लोर पे है, तो उसके नीचे फोर एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो ऑप्शन ए फोर इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर फाइव. इफ बी इंटरचेंज हिज कंपनी टू ए कंपनी. अगर बी ए की कंपनी से इंटरचेंज हो जाए कि यहां पे बी आ जाए और यहां पे बी आ जाए, देन हाउ मेनी फ्लोर इज बिटवीन जी एंड ए. तो जी और ए के बीच में हमारा खाली एक ही फ्लोर होगा, तो ऑप्शन बी वन खाली इसका राइट आंसर होगा. Now move to question number 6. So जैसे कि आप सबको पता है जो हमारे इस आज आखिरी डे है हमारा, जो एस अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम 2019 के नाम से हमारे एक सेल चल रही है जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे 25% का ऑफ है, चाहे कुछ भी हो, लाइव बैच हो, लाइव वीडियो क्लासेस हो, टेस्ट सीरीज हो, वीडियो कोर्स हो, या फिर बुक्स ई बुक्स हो. तो जो हमारा कोड है वो है PREP25, जो खाली वैलिड है 27 February तक. So now move to question number 6. Direction 6 to 10. In the following question, the symbols at the rate hash, dollar, star and copyright are used with different meanings as explained below. अगर हम देखें इन symbols का meaning तो जो at the rate, A at the rate, B means A is neither smaller than nor equal to. अगर smaller or equal नहीं है तो at the rate means हो जाएगा इसका greater than. हैश का हमारा मीनिंग हो जाएगा ए इज नॉट ग्रेटर देन बी. ग्रेटर देन नहीं है तो लेस देन इक्वल टू होगा. और अगर हम बात करें अब डॉलर की, तो ए डॉलर बी मींस ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल. अगर ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो वो लेस देन होगा, तो डॉलर का मीन्स हो जाएगा हमारा लेस देन. अगर हम सेकेंड लास्ट सिंबल की बात करें, ए स्टार बी मीन्स ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर. तो जो स्टार है उसका मीनिंग हो जाएगा हमारा इक्वल टू का. तो लास्ट सिंबल जो बचा उसका हमारा ए की मीनिंग बचेगा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को दो एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद तीन कंक्लूजन गिवन है, हमें बताना है कौन से कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है. तो एफ एट द रेट जे, पहले से डिड्यूस कर लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं अपने स्टेटमेंट को. तो एट द रेट का हमारा मीनिंग है ग्रेटर देन, हैश का हमारा मीनिंग था लेस देन इक्वल टू, स्टार का मीनिंग है इक्वल टू, एल का मीनिंग है एट द कॉपीराइट का मीनिंग है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू. अगर हम बात करें एफ डॉलर आर की कंक्लूजन फर्स्ट की, तो एफ डॉलर आर का मीनिंग है हमारा एफ लेस देन आर, एम हैश आर का मीनिंग है एम लेस देन इक्वल टू आर, एंड एम कॉपीराइट जे का एम ग्रेटर देन इक्वल टू जे. अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंक्लूजन की, तो फर्स्ट कंक्लूजन में इन्होंने हमारे से पूछा है F less than R, तो जो F है वो greater than J है, J less than equal to R है, तो F और R के बीच में कोई relation का पता नहीं चला, तो ये हमारा false होगा. अगर हम second conclusion की बात करें, तो second conclusion में हमारे से पूछा M less than equal to R, तो जो M है
एम लेस देन इक्वल टू एल है, एल इक्वल टू आर है, तो सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा। अगर हम थर्ड कंक्लूजन की बात करें तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जे, तो एम लेस देन इक्वल टू है तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन में भी पहले हम स्टेटमेंट को डिड्यूस कर देते हैं। हैश का हमारा मीनिंग है लेस देन इक्वल टू, डॉलर का लेस देन, कॉपीराइट का हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का हमारा मीनिंग है ग्रेटर देन। अगर देखो इसमें हमारे जो जो सिंबल्स हैं ये डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन है, अगर ये इंटरचेंज हो रहे होते तो हम इसे प्रॉपर डिड्यूस करते। देन जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है उसमें हमारे से पूछा है जे डॉलर टी, जे डॉलर टी मीन्स जे इज लेस देन टी। अगर जे और टी को देखें तो जे लेस देन टी है और जे और टी के बीच में हमारे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये हमारा फॉल्स होगा। टी हैश जे दैट मीन्स टी लेस देन इक्वल टू जे, और टी और जे की बात करें तो जो टी है इन दोनों के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो जो हमारे फर्स्ट दोनों कंक्लूजन है इसमें इधर और का केस बन रहा होगा, क्योंकि देखो तीनों कंडीशन हमारी इसमें आ रही है, टी ग्रेटर देन जे और टी लेस देन इक्वल टू जे, तो ये हमारा एक इधर और का केस बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड में, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, और जो थर्ड है हमारा टी डॉलर क्यू यानी टी लेस देन क्यू, तो टी लेस देन क्यू, टी लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू और डब्ल्यू लेस देन क्यू है, तो ये हमारा ट्रू होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओनली सेकेंड एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में हमें स्टेटमेंट गिवन है, पहले से डिड्यूस कर देते हैं। कॉपीराइट का मीन हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में एट द रेट का मीन हो गया ग्रेटर देन। देन कंक्लूजन है बी डॉलर ई, बी डॉलर ई मीन्स बी इज लेस देन ई और बी इक्वल टू एल, तो जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है बी लेस देन ई, तो बी लेस देन यू एंड यू लेस देन इक्वल टू ई है, तो ये हमारा फॉलो करेगा फर्स्ट कंक्लूजन। नाउ सेकंड कंक्लूजन एल लेस देन ई, तो जो एल है वो लेस देन इक्वल टू वी है और वी लेस देन ई है, तो सेकंड भी हमारा फॉलो करेगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो बी और एल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन। स्टेटमेंट फर्स्ट वी हैव टू डिड्यूस द स्टेटमेंट, डिकोड इट एम डॉलर टी, एम डॉलर टी मीन्स एम इज लेस देन टी, टी स्टार आर मीन्स टी इक्वल टू आर, आर एट द रेट एच मीन्स आर इज ग्रेटर देन एच एंड एच इज लेस देन इक्वल टू जी। नाउ मूव टू कंक्लूजन। कंक्लूजन फर्स्ट में एम डॉलर एच दैट मीन्स एम इज लेस देन एच पूछा है इन्होंने, आर एट द रेट जी मीन्स आर इज ग्रेटर देन जी एंड एम हैश आर मीन्स एम इज लेस देन इक्वल टू आर। अगर फर्स्ट की बात करें एम लेस देन एच, तो एम और एच के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा। आर इज ग्रेटर देन जी, तो जो आर है और जी है इन दोनों के बीच में भी अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। नाउ कंक्लूजन थर्ड, एम इज लेस देन इक्वल टू आर, तो जो एम है वो लेस देन इक्वल टू आर है, जबकि हमारा इसमें गिवन है जो m है लेस देन t एंड t इक्वल टू r, तो ये भी हमारे कंक्लूजन जो m है वो लेस देन r है, ये भी हमारा फॉल्स होगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, नन इज ट्रू। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोडेड इनइक्वालिटी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी फर्स्ट वी हैव टू डिड्यूस द स्टेटमेंट h कॉपीराइट r, that means h is greater than equal to r, r is greater than w, w equal to f and f dollar, then इसमें हमें given है j dollar f, j dollar f means j is less than f and f is greater than, तो f जो है वो हमारा j से greater than हो जाएगा। then अगर आप conclusion की बात करें तो first conclusion हमारे से पूछा है h at the rate जो h greater than f, second है j dollar यानी j less than w and r is greater than j, तो ये तीन conclusion पूछे हैं। तो जो first conclusion है h greater than f, तो h और f के बीच में कोई दूसरा symbol नहीं है, opposite symbol नहीं है, same symbol आ रहे हैं, तो जो greater का बीच में symbol आ रहा है तो ये हमारा follow करेगा। then j less than w, तो j है
जे लेस देन एफ है एंड एफ इक्वल टू डब्ल्यू, तो सेकेंड भी हमारा फॉलो करेगा, ट्रू होगा. नाउ थर्ड वन, आर ग्रेटर देन जे, तो आर ग्रेटर देन डब्ल्यू है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन जे, तो ये भी हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल कंक्लूजन आर ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन पूछा है, हमारा डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है. इसके अंदर हमें गिवन है, आज वन डे प्रकाश लेफ्ट होम, अपने घर से निकला एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, तो 10 किलोमीटर साउथवर्ड गया. देन गिवन है हमें, देन ही टर्न राइट, तो राइट उसके बाद मुड़ा वो. एंड साइकिल 5 किलोमीटर, मुड़ के वो 5 किलोमीटर में साइकिल चलाई. एंड आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड साइकिल फॉर 10 किलोमीटर. एंड फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फॉर 10 किलोमीटर. देन हमें गिवन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच बैक टू हिज होम स्टेट, तो अगर स्टेट जाएगा तो 10 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो 15 किलोमीटर लगेंगे उसे. तो ऑप्शन बी 15 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. देयर आर फोर टाउन्स पी क्यू आर टी, ये चार टाउन है. देन हमें गिवन है क्यू इज साउथ वेस्ट ऑफ पी, जो क्यू है वो साउथ वेस्ट है पी के. एंड आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू, जो आर है वो ईस्ट में है, तो ये कहीं भी हो सकता है अभी, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है. एंड साउथ आर इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू एंड साउथ ईस्ट ऑफ पी, आर साउथ ईस्ट है पी के, तो जो आर है वो इस साइड होगा. देन हमें गिवन है एंड टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, जो टी है वो नॉर्थ ऑफ आर है, पर हमें डिस्टेंस नहीं गिवन क्या डिस्टेंस है. इन लाइन विद क्यू पी, तो जो क्यू पी से जो लाइन जा रही है, जो यहां से इंटरसेक्ट करेगी हमारी, ये इस इन लाइन में है. देन हमें इसमें पूछा है इन विच डायरेक्शन इज टी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो जो टी है वो नॉर्थ ईस्ट होगा, तो ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है 40 मेंबर्स आर स्टैंडिंग इन अ रो, टोटल है 40, फेसिंग नॉर्थ, पूजा इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, जो पूजा है वो 11th है फ्रॉम द लेफ्ट, 11th है लेफ्ट से. एंड अंकिता इज 31st फ्रॉम द राइट एंड, जो अंकिता है वो 31st है राइट एंड से. एंड हाउ फार विल प्रकाश हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ पूजा, अगर पूजा के थर्ड राइट है तो 12, 13 एंड 14, तो उसकी जो रैंक होगी प्रकाश की वो होगी 14. तो हमें पूछा है हाउ फार इज विल प्रकाश बी फ्रॉम अंकिता, अंकिता के कितने फार है. अगर हम अंकिता के, अगर हमारे को लेफ्ट हैंड से पोजीशन देखनी है, तो जो होगी वो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, दैट इज 40, 31 माइनस 1 प्लस आर, तो राइट हैंड से जो वो लेफ्ट हैंड से जो उसकी वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी 9, 10, क्योंकि ये 30 हो जाएगा और ये 40, तो 10 आ जाएगी. तो उसकी वैल्यू हमारी अगर 10 है और प्रकाश की वैल्यू हमारी 14 है, तो इन दोनों के बीच में होंगे 11, 12 और 13, तो 3% का गैप है. तो और जो तो वो होगा जो जो प्रकाश है वो पूजा से होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो वो फोर्थ टू द राइट होगा पूजा के, तो ऑप्शन बी फोर्थ इसका राइट आंसर है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे से इन्होंने पूछा है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 9, 5, 1, 3, 7, 2, 4, 8, each of which has as many digits between them in the given number as when they are arranged in ascending order. तो पहले से ascending order में arrange कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 and 9. 1,
ठीक है, देन इसमें हमारे से अगर देखें, अगर हम देखें आगे पीछे कितने डिजिट सच पेयर बन रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट है 9, अगर हम देखें 9 8 7 6 5 4 3 2, तो इसमें तो कोई पेयर नहीं बन रहा। 5 की अगर हम बात करें तो 5 4 3, 5 और 3 के अंदर एक पेयर बन रहा है 3, और 5 4 3 2 1 इसमें नहीं बन रहा, 5 6 7 8 9 10, तो और कोई नहीं बन रहा। तो अगर 1 की बात करें, 1 2 3 4 5 6, तो 1 से भी हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है। नाउ मूव टू थर्ड, तो 3 से अगर हम देखें तो 3 4 5 6 7, और अगर हम 7 की बात करें, 7 और 4 4 6 4 5 7, अगर हम देखें जो हमारा नया नंबर है, तो नया नंबर में जो हमारे पेयर बन रहे हैं वो है हमारे 3 4 5। नाउ अगर हम बात करें, एक तो हमारे इसमें 3 और 8 का भी बन रहा है कि 3% इसमें, और इसमें भी हमारे 3 है। अगर हम अगली बात करें तो 4 और 7, 4 और 7 के बीच में भी एक नंबर है इसमें, और इसमें भी एक नंबर है। 9 और 8, इसमें दोनों में नंबर बिटवीन ज्यादा है। 8 और 7 में भी नहीं बन रहा हमारा पेयर, तो हमारे ये 3 ही पेयर बन रहे हैं। कि हमारे को यही बताना था इस क्वेश्चन में कि जो दो पेयर है उन दोनों के बीच में जो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है। तो जो 3 थे पहले भी 3 में थे और अब भी 3 में आ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन D 3। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। फाइव फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओनली बी इज बिटवीन ए एंड ई। जो बी है वो ए और ई के हैं, तो दोनों उसमें हो सकते हैं हमारे, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं। एंड सी इज इमीजिएट राइट ऑफ ई, तो सी इमीजिएट राइट ऑफ ई है, तो हमारे ये वाला कैंसिल हो जाएगा सेकंड केस। एंड डी इज इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। नाउ मूव टू स्टेटमेंट फर्स्ट, बी इज टू द राइट ऑफ ई, जबकि बी हमारा लेफ्ट है तो ये गलत होगा हमारा। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, जबकि ए थर्ड टू द लेफ्ट है, ये भी गलत होगा। नाउ ऑप्शन सी, डी डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो डी है और डी हमारा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वांटिटी एप्टीट्यूड क्विज फॉर IBPS 27 February 2019, एंड दिस इज द डे 35। टुडेज टॉपिक इज मिसलिनियस एंड दिस क्विज कंटेन 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन 1 to 5, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू find exact value. So this questions is approximation. For first questions, 449.8 is 450 divided by or into 1/6 plus 3^4 minus 75. So this is 75 and 3^4 81 and minus 75. So 81 is the right answer for question number first. So option number B is correct. Next question is question number 2. Question number 2 is cube root 2197, this is 13, and into 861.08, so 861 divided by 90.98, so 1/91 and minus 58, so 7 times jayega and 1 2 3 times jayega minus 58, so 1 2 3 minus 58 is 13 and 8 5 and
11 minus 5 is 6. So 65 is the right answer. So option number C is correct for question number 2. Next question is question number 3. Question number 3, 69.98% is 70% into 259.98, this is 260, and percent form, so divided by 100, minus 29.98, so 30% into 530, so 00 cancel and 00 cancel, 26 into 7 minus 53 into 3. So 26 into 7, 182 minus 159. So 182 minus 159 is 23. So option number B is correct for question number 3. Next question. Four by 11 of 13.98, so 1331 into 483.97, it says 484 or under root 484, so 22 plus 1296, so 4 and 6 into 6 into 6 is 1296. So we can say 6. So 121 and 2 4 11, 4 into 11 plus 6, so 44 plus 6, sorry, 2 times, so 2 into 11, 22 plus 6 is 28. So option number C is correct for question number 4. Next question is question number 5. 23 divided by 349 into 5 by 4 into 35 by 19 plus 499. So 23 divided by 349 is 24. We can say 24 and 350 into 5 by 4 into 35 by 19 and 499, or we can say 500 because approximation. So 10 and 3 times, so 3 by 19 plus 500, so 3 by 19 is 0.15 something and 500, so because approximation, answer will be 500. So option number E is correct for question number 5. Next question is question number 6. 6, directions 6 to 7, read the sentence below and solve the questions based on it. Two fair dices are thrown, find the probability of getting. So 6th number question, a sum of two numbers divisible by 4. So 2 dice, so total possible case is 6 into 6, so total possible case is 36. A sum of two numbers divisible by 4, so 4, 8, 12,
and इनका सम होना चाहिए. सो टू एंड सिक्स एंड सिक्स एंड टू. थ्री एंड फाइव एंड फाइव एंड थ्री एंड फोर एंड फोर. एट एट का हो गया एंड फोर. टू एंड टू. वन एंड थ्री एंड थ्री एंड वन. एंड ट्वेल्व इज सिक्स एंड सिक्स. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन. सो टोटल फेवरेबल केस इज नाइन. सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस नाइन एंड टोटल नंबर ऑफ केस टोटल पॉसिबल केस इज 36. सो 1/4. सो रिक्वायर्ड पॉसिबिलिटी इज 1/4. सो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन. क्वेश्चन नंबर सेवन इज अ सम ऑफ टू नंबर्स टू बी प्राइम नंबर्स लेस देन 10. सो प्राइम नंबर्स इज टू थ्री फाइव सेवन लेस देन 10. सो सेवन इज द लास्ट प्राइम नंबर. टोटल पॉसिबल केस इज 36 एंड फेवरेबल केस इज 1 एंड 1 3 का. 2 एंड 1 एंड 1 एंड 2 5 3 and 2 2 and 3 4 and 1 and 1 and 4 7 1 and 6 6 and 1 2 5 and 5 2 3 4 and 4 3. Total number of favorable case 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So to favorable case is 13. So required probability is favorable case is 13 and total possible case is 36. So option number D is correct for question number 7. Next question is question number 8. Question number 8 is a man bought 80 eggs at the rate of 24 rupees per dozen. 10 eggs got broken and the remaining eggs he sold at 3.20 rupees per egg. If he had spent 16 rupees on other expenses, find his profit or loss percentage. So 24 rupees per dozen. So 12 eggs is, so cost price of 12 eggs is 24 rupees. So 1x cost price of 1x is 2 rupees. So total 80x cost price of 80x is equal to 80 into 2, so 160 rupees. But he had spent 16 rupees on other expenses. Other expenses is 16 rupees tha. So total
cost price of 80 eggs is equal to 160 plus 16, so 176 rupees total cost price of 80 eggs. Total selling price of 10 eggs got broken, so remaining eggs is 70 eggs, and sold at 3.20 rupees per egg. So 70 into 3.2, so total number of 70 eggs, cost selling price of 70 eggs is 730, and 70 into 3 is 20 210, and 70 into 0.2 40, so 224 rupees. Selling price of 70 eggs is 224 rupees. Find its profit or loss percent. So profit is SP minus CP. SP is 224 and cost price is 176. So profit is 48 rupees. So profit percent is 48 divided by cost price. So 176 into 100. So eight times eight, two and six. So 3 into 1 by 11 into 100. So 1 by 11 is 9.1 by 11%. So 11%. So required answer is, required profit percentage is 27:3/11%. So option number B is correct for question number 8. Next question is question number 9. Direction for questions 9 and 10. Read the passage below and solve the question based on it. Prabhat has certain number of pens. Harshit bought 25% of the pens and Avinash bought 1/3 of the remaining pens. Prakash bought 50% of remaining and Akash bought 4 pens. So let number of pens, let total number of pens is X. So Harshit bought pen 25% of the pens, so total number of pens X, and 25% is 1/4, so 1/4 X, and Avinash bought 1/3 of the remaining pens. So 1/4 X, so remaining is 3/4 X, and 1/3, so 1/3 is, so X by 4 pens bought by Avinash. And Prakash bought pens is 50% of remaining, so X by 4 and X by 4, 2x by 4 is X by 2, so X minus X by 2 is equal to X by 2, and 50% of remaining, so 1/2. So Prakash bought pens is X by 4 and Akash bought, Akash bought pens is, Akash bought pen, total pens is X, and
x by 4, x by 4 and x by 4. So x minus 3x by 4. So our cast bought pen is 4x minus 3x by 4, so x by 4. But in questions Akash bought 4 pens, so x by 4 is equal to 4. So total number of pens bought by Prabhat is equal to 16 pens. So first question, 9 question number is, how many pens did Avinash purchase? So Avinash bought by x by 4, so x key value is 16 and 4, so 4 pens. So Avinash purchase 4 pens. So option number B is correct for question number 9. Next question, how many numbers pens were with Prabhat initially? So 16 pens. So option number E is correct for question number 10. Next question is question number 11. So direction 11 to 15. In the following questions, there are two equations in X and Y are given. Solve the following equations and give answers. So question number 11. Equation first is 2X square minus 15x plus 27 is equal to 0, and second equation is 2y square minus 13y plus 20 is equal to 0. So multiply karne par 54 and add karne par 15, so factor of x is 9 and 6, and sign is minus plus, so sign will be plus plus. And in equation number 2, multiply karne par 40 and add karne par 13, so 8 and 5, factor of y is 8 and 5, but sign is minus plus, so sign will be plus plus. Coefficient of y square is 2 and coefficient of x square is 2, so no need to divided by factor of x and divided by factor of y. We can directly compare of these factors. So factor of x is plus 9 and plus 6, and factor of y is plus 8 and plus 5. So plus 9 and plus 8, x is greater, plus 9 and plus 5, x is greater, and plus 6 and plus 8, y is greater. So contradict between x and y. So option number D is correct for question number 11. Next equation, question number 12, first equation is 9x square minus 21x plus 10 is equal to 0. So multiply karne par 90 and add karne par 21. So factor of x is 15 and 6. 15 into 6 is 90, and 15 plus 6 is 21, and sign is minus plus, so sign will be plus plus. Equation number 2 is y square minus 8y plus 15 is equal to 0. Multiply karne par 15 and add karne par 8. Add karne par 8 is liye kyunki yahan par sign plus ka hai. So add karne par 8. So 5 and 3, factor of y is 5 and 3. Sign is minus plus, so sign factor of sign is plus plus. Factor of y is plus 5 and plus 3. But coefficient of y square is 1 and coefficient of y square, x square is 9, so plus 5 plus 3 into 9. Coefficient of x square is multiply in factors of y, so 45 and 97. 45 and 27.
So we can directly say x is less than y, because 15 and 45 y is greater, 15 and 27 y is greater, 6 and 45 y is greater, 6 and 27 y is greater. So x is less than y, or we can say y is greater than x. So option number B is correct for question number 12. Next question, question number 13 is, first equation is 2x square minus 13x plus 15 is equal to 0, and second equation is 2y square minus 11y plus 12 is equal to 0. So multiply karne par 30 and add karne par 13, so factor of x is 10 and 3 minus plus sign, so plus plus, and coefficient and factor of y is 8 and 3, and sign will be plus 8 and plus 3. So factor of y is and factor of x is same, so directly factor of x is plus 10 and plus 3, factor of y is plus 8 and plus 3. Plus 10 and plus 8 is x is greater, plus 10 and plus 3 x is greater, plus 3 and plus 8 yani y is greater. So we cannot establish any relation between x and y, so option number D is correct for question number 13. Next question is question number 14. 2x square plus 7x plus 6 is equal to 0. So multiply karne par 12 and add karne par 7. So factor of x is 4 and 3. Plus plus sign. So sign minus 4 and minus 3. Plus 17y plus 30 is equal to 0. Multiply karne par 60 and add karne par 17. So factor of y is 12 and 5. 12 into 5 is 60, and 12 plus 5 is 17. Sign is plus plus, so sign will be change in minus 12 and minus 5. Coefficient of y square and coefficient x square is same. So no need to any -5. So minus 4 and minus 12 is x is greater, minus 4 and minus 5 x is greater, minus 3 and minus 12 is x is greater, minus 3 and minus 5 is x is greater, so x is greater than y. So option number A is correct for question number 14. Next question, and this was the last question of this quiz. X square minus 2x under root 5x plus 2 root 5 is equal to 0. So x minus 2 minus under root 5 common liya, x minus 2. So factor of x is equal to 2 and x is equal to 5, x is equal to root 5. And another equation is y square minus root 3y minus root 2y plus root 6 is equal to 0. So y common lene par y minus root 3, and root 2 common lene par minus root 2 common lene par y minus root 3 is equal to 0. So y minus root 3 and y minus root 2. So factor of y is root 3 and root 2. So x is equal to 2 and root 5, and y is equal to root 3 and root 2. So 2 and root 3 x is greater, 2 and root 2 x is greater, root 5 and root 3 x is greater, root 5 and root 2 x is greater. So
x is greater than y. So option number A is correct for question number 15. So this was the last question. So thank you. Have a nice day.